फोन आया है, जल्दी आओ। सुनो नोबिता, मेरे घर पर आ जाओ, हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। मैं मजे की नींद में सो रहा था। अच्छा हुआ कि मैं बच गया। हम लोग मिलकर आखिर करेंगे क्या, बोलो। मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो, मुझे भी बताओ। अरे तुम अंदर तो आओ नोबिता। मैं अपनी समझदारी से बता सकता हूँ कि नोबिता ने आज पूरे दिन में आखिर किया क्या है। हाँ? तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते हो। जब मैंने तुम्हें फोन किया था नोबिता, तब तुम सो रहे थे। क्यों, मैंने सही कहा ना? तुम्हें कैसे पता चला? मैं और भी कुछ जानता हूँ नोबिता। मेरे घर आते हुए तुम्हारा पैर कीचड़ में पड़ा था और तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ गया था, क्यों है ना? तुम पक्का मेरा पीछा कर रहे थे क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन तुम्हें ये पता चला कैसे? दरअसल नोबिता के पैरों में मिट्टी लगी हुई थी। क्या? जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर होती है। अब तुम मान गए ना कि मैं समझदार हूँ? जब तुम मेरे घर पर पहुँचे, तब तुम हाँफ रहे थे, और एक आदमी तभी हाँफता है जब वो जल्दी में होता है या फिर उसके पीछे कोई पड़ा हुआ होता है। सही कहा ना? क्या कहा? और तुम भागते तभी हो जब तुम्हें स्कूल जाने में देरी हो जाती है या फिर तुम्हारे पीछे कोई पड़ा हुआ होता है नोबिता, क्यों? सही कहा ना मैंने? तुम बहुत ही समझदार हो। तुम इतने समझदार कैसे हो गए? देखो, वैसे तो मैं बचपन से ही बहुत समझदार हूँ। बुक पढ़ी जिससे मैं एक जासूस बन गया हूँ। क्या कहा, एक जासूस? तुमने सही कहा, अब मैं एक जासूस बनूंगा और इस दुनिया की मदद करूंगा नोबिता। अगर तुम लोगों के पास भी कोई मुश्किल केस हो तो तुम मेरे पास लेकर जरूर आना। ये क्या है, जासूस खेलना? कितना बोरिंग है ये, मुझे नहीं खेलना। पर मुझे अब खेलना है। डोरेमोन, मुझे गैजेट दो ना। कौन सा गैजेट चाहिए तुम्हें? कुछ भी, मुझे जासूस बनना है, जासूस बनना है, जासूस बनना है। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। एसोसिएशन रीजनिंग मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या एसोसिएशन, इसका क्या मतलब है डोरेमोन? इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है, मैं बताता हूँ। पहले जाकर इस डोरा केक को कहीं छुपा दो। मैं इस मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से इसे आसानी से ढूंढ लूंगा, लेकिन थोड़ी मुश्किल जगह छुपाना ताकि मैं इसे जल्दी से ना ढूंढ पाऊँ। समझ गए? इसे कहाँ छुपाया जाए? समझ गया, ठीक है आ जाओ। आओ, वहाँ ढूंढ सकते हो। मैं इतनी मेहनत नहीं करूँगा, मैं करूँगा रीजनिंग। रीजनिंग? जल्दी से मुझे बताओ कि मेरा डोरा केक कहाँ है। डोरा केक गोल होते हैं और चांद भी गोल होता है, उसी तरह जीरो भी गोल होता है। तुम क्या कह रहे हो, ये कैसी रीजनिंग है भला? बस चुप रहो और देखते जाओ। जीरो पॉइंट्स मतलब नो बिंदा। एकदम सही, बढ़िया। मैंने तुमसे कहा था ना? नोबिता, क्या तुम मेरे साथ आओगे? अरे वाह, मेरे पास एक केस आ गया। तुम्हें क्या हुआ शिज़ुका? मैं किसी जासूस के पास जा रही हूँ। मैं भी एक जासूस, मेरे पास गैजेट है। सॉरी नोबिता, पर मुझे नहीं लगता तुम ये कर पाओगे। मुझे एक बार तो चांस दो शिज़ुका। सुनो, तुम मेरे कस्टमर छीनने की कोशिश कर रहे हो। सुनिए, अंदर आइए, हम लोग आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। हमारे पास उसका वक्त नहीं है, मेरा पर्स कहीं खो गया है। सुनियो। अरे वाह, ये तो बहुत आसान केस है। देखिए, किसी केस को सुलझाने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना? और आपको मुझे वो इन्फॉर्मेशन देनी होगी। मैंने आखिरी बार अपना पर्स डिपार्टमेंटल स्टोर पर देखा था। मैंने अपना पर्स बाहर निकाला और फिर बस ली, मुझे बस इतना ही याद है। अच्छा ठीक है, ठीक है। और तब टाइम क्या हो रहा था? तब 11 बज रहे थे। और तुम्हारे पर्स में पैसे कितने थे? 560 रुपए। मेरा तरीका ज्यादा आसान है शिज़ुका। तो शिज़ुका का पर्स आखिर है कहाँ? शिज़ुका का पर्स, शिज़ुका। तुम तो गैजेट का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम बस सुनो, सुनियो। लेकिन इससे नहाने का क्या मतलब है नोबिता? सवाल मत करो, चुप रहो और सुनती रहो ना। नहाने के बाद कहीं जाते हैं, जाने के लिए हमें बस चाहिए। बस बस स्टॉप पे है।
अरे वो लोग कहाँ गए? नोबिता की बातें सुनकर हमारा वक्त बर्बाद हो रहा था, हमें कुछ करना होगा। क्या फर्क पड़ता है, मैं पर्स को ढूंढ के ही रहूंगा। अरे कहाँ चला गया? लगता है ये गैजेट किसी भी काम का नहीं है। देखो शिजुका, मुझे लगता है कि तुमने अपना पर्स कहीं रास्ते में गिरा दिया है और उसको कोई और उठा चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि पर्स किसी और के पास है। हाँ? और जिस किसी ने भी पर्स उठाया होगा वो उसे पुलिस स्टेशन छोड़कर जरूर आएगा। शिजुका, क्या सच में? एक्सक्यूज मी ऑफिसर। अरे मैंने तो सुना है कि उसने शिजुका के पर्स की लोकेशन तक बता दी। अच्छा, वो तो बहुत बड़ा जासूस बन गया। मेरे पास सिर्फ ये गैजेट है, लेकिन अगर मैंने केस सॉल्व कर दिया तो मैं वर्ल्ड फेमस हो जाऊंगा। सुनो जियान, तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है? नोबिता, जियान घर पर नहीं है। मैं भी चाहती थी यहाँ वो चीजों की निगरानी करे, पर पता नहीं वो कहाँ है। क्या तुम्हें पता है नोबिता कि वो कहाँ छुपा बैठा है? वो जियान कहाँ पर है? जियान एक गोरिल्ला जैसा दिखता है। क्या कहा तुमने मुझे नोबिता? जियान, अरे नोबिता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। ये किसी भी काम का नहीं है। शायद मुझे डोरेमोन से मदद लेनी चाहिए, लेकिन डोरेमोन भी तो गुस्सा होगा। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। डोरेमोन, मैं तुम्हारे लिए डोरा केक्स लाया हूँ। मैंने तुम्हें माफ किया, गलती मेरी ही थी डोरेमोन। मैं थक गया हूँ, जिसे देखो वो सुनियों की तारीफ ही कर रहा। बात है क्या नोबिता? तो चलो देखते हैं। तो आप ही हैं वो समझदार डिटेक्टिव सुनियो, क्या मैंने सही पहचाना? आपने बिल्कुल सही पहचाना, बताइए आपको क्या परेशानी है? बात ये है कि चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। असली जासूस की तरह बातें कर रहा है। सही कह रहे हो। अच्छा तो ये बात है, मुझे समझ आ रहा है। वो अचानक ही गायब हो गए थे, ये नहीं पता कि वो चोरी हुए हैं या नहीं। ये पिछली रात की बात है, मैं लड़ाई की आवाजें सुनकर उठ गया। मेरे सामने वाले कमरे में, मेरे लाइब्रेरी रूम में, अंदर आने और बाहर जाने का रास्ता सिर्फ ये जाकर सो गया। और जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा सिक्के टेबल से गायब थे। ये केस तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। सुनियो कितना खुश नसीब है ना। देखिए एक बात तो साफ है, जब आप उस कमरे में झांक रहे थे वो जो रूम में कहीं छुपा हुआ था, और अगर आपको लड़ाई की मतलब वो एक नहीं दो चोर थे। वैसे मैं भी यही सोच रहा था डोरेमोन। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरी खिड़कियाँ भी अच्छी तरह से लॉक थी। मैंने घर से बाहर झांक कर भी देखा पर वहाँ भी कोई नहीं था, कुछ पता नहीं चला। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके हिसाब से कमरा पूरी तरह बंद था। मुझे समझ नहीं आ रहा वो चोर अंदर आया कैसे, क्योंकि खिड़की तो बंद थी। क्या ये चोर एक भूत हो सकता है? मैं ये परेशानी लेकर पुलिस के पास भी गया था, लेकिन उन्होंने भी बहुत जल्दी ही हार मान ली। मुझे समझ में आ गया है, चोर जरूर कोई ऐसा इंसान है जो बिल्कुल एक ऐसा इंसान जो हमेशा दरवाजा लेकर चलता हो। मतलब क्या है? अरे हाँ, तो इसका मतलब क्या वो सिक्के तुमने चुराए हैं? अच्छा? गति थी क्या?